नमस्कार भाइयों बहनों, सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पे आप पे स्वागत। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आज हम लेके आए हैं, पैकिंग में थोड़ा सा समस्या है। जो दिव्या फार्मेसी की और पतंजलि की जो दवाई आ रही है, इसकी पैकिंग में कुछ समस्या है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हम अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं कि पैकिंग को ठीक किया जाए। और पैकिंग ठीक होने से क्या होगा कि डिब्बी का रेट कम हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, अब ये मैंने एक डिब्बी ली है, ये आपकी गिलोय है। अब गिलोय धनवेटी की डिब्बी 100 रुपये की आती है, ठीक है जी। अब मैं इस डिब्बी को खोल रहा हूँ, सील डिब्बी है ये, ठीक है जी। अब ये डिब्बी मैंने खोली, ठीक। अब डिब्बी में मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके साथ मैं एक दूसरी डिब्बी खोलता हूँ, वो भी सील डिब्बी है। देखिए पूरी सील्ड है, सील डिब्बी है पूरी जी। कब की बनी है ये? सितंबर 2020 की बनी है और 22 में इसकी एक्सपायरी है और 100 रुपये इसका रेट है, ठीक है जी। ताज़ी बनी हुई है। अब मैं इस डिब्बी को खोलता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये डिब्बी का साइज पैकिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा दे रहा है। अब इस डिब्बी की कीमत 10 रुपये है, इस डिब्बी की कीमत। अब ये दो डिब्बियाँ 200 रुपये की आई। अब मैं इस डिब्बी का माल इसमें पलट रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं देखिए, थोड़ा सा ठोकूंगा इसको कि आप समझ जाएंगे। तो दो चार गोलियां ही फालतू बची हैं। ये देखिए, ये डिब्बी पूरी बंद होगी मेरी अब, ठीक है जी। एक डिब्बी बंद होगी, ये डिब्बी खाली है, मैं यहाँ रख रहा हूँ खाली खुली डिब्बी, फिर मैं अगला उठा रहा हूँ। तो इसे छोड़ो, उससे पहले हम इसकी गोलियां यहाँ रखते हैं, दूसरी उठाते हैं। ये है मधु कलोपटी, मम्मी पापा खाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये देखिए, ये भी ताजी बनी है, जून 2020 की, कीमत है 60 रुपये। अब इसमें भी यही समस्या है कि डिब्बी का साइज बहुत बड़ा है। अब मान लो कि इसे हमने सील खोली, अब ये देखिए ये सील्ड है, देखो ना सील्ड है, पक्की सील्ड है, ऐसे माल नहीं निकलेगा। तो हम इसे चाकू से काट रहे हैं। अब इसमें भी वही समस्या है कि जगह बहुत खाली है। अगर हम इसे ठोक ठोक के भरें तो लगभग एक डिब्बी खाली हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी डिब्बियाँ खाली निकलती हैं। ऐसे ही मोटे से पतले होने वाली मेदौर बटी है। अब इसकी पैकिंग में भी यही दिक्कत है कि इसमें भी बहुत सारा स्पेस खाली है। देखिए जी, सील्ड है। अब हम इसे काट देते हैं। अब जैसे इसमें दूसरी डिब्बी है, ये भी सील्ड है। तो डिब्बियों में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इतने स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अब इस डिब्बी को इसमें डालें हम, तो इसमें भी बहुत सारा स्पेस बच जाएगा। कि देखिए, ये भरी हुई डिब्बियाँ मैं रख रहा हूँ और ये खुली डिब्बियाँ, मतलब इसमें माल बाकी है अभी, ठीक है जी। अब मैं आपको गिलोय का दोबारा से दिखाता हूँ। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कि मधुनाशिनी है। और अब ये है इसकी दूसरी पैकिंग, देखिए ये दिव्या मेधावटी है। अब इनकी पैकिंग इतनी मिलती जुलती है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो पैकिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसका कलर अलग करे, इसका कलर अलग करे। अब इस पर लिखना पड़ता है कि ये दिमाग के लिए है, मार्किंग करनी पड़ती है सारी दवाइयों के ऊपर। तो पैकिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसी गड़बड़ ना करे। अब मान लो कि बंदा कम पढ़ा लिखा है तो उसे तो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं ये, ठीक है ना जी। पहचान करनी मुश्किल हो जाती है, प्रिंटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इतनी जगह घेर लेती हैं, तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब हम गोलियां निकालते हैं, जैसे ये गोली हमने यहाँ से निकाली सपोज, ठीक है जी। अब एक गोली मैंने यहाँ से निकाल ली, अब एक गोली मैंने यहाँ से निकाल ली। अब ये चार गोलियां निकलने से क्या हुआ कि इसका नाम तो चला गया, मान लो मैं एक गोली और निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये भी है। अब ऐसे ही मान लो मैं दिव्या बटी में एक ही गोली निकाल लूँ, यहाँ से मैं अगर चार गोलियाँ निकाल लूँ तो दोनों पत्ते बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ये तो मैंने इस पर मार्किंग की है। तो पैकिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसका कलर चेंज करे। अब दोनों कलर एक होने से बड़ी दिक्कत आती है। चलिए मैं आपको आगे इसको जारी रखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं फिर दो डिब्बियाँ खोल रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए कितनी खाली डिब्बियाँ थी, मैं निकल आएंगी कि, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खोल दी, उसके बाद मैं फिर इसे खोल रहा हूँ। मैंने एक डिब्बी नई ली, उसे खोल रहा हूँ। फिर मैंने एक डिब्बी और ली,
ये 100 रुपए की डिब्बी है, और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट से चाहता हूँ कि डिब्बी का साइज छोटा करें या माल डबल करके 10 रुपए रेट कम कर दें, कि 100 दूनी 200, 10 रुपए डिब्बी की छोड़ दें, 190 रुपए रेट कर दें, पैकिंग ही बड़ी कर दें। ये देखिए मैंने सारी डिब्बियाँ खोल दी, ठीक है जी। अब देखिए इसमें कितनी खाली डिब्बियाँ निकलेंगी, देखिए पहले मैं इसको इसमें डाल लूँ, एक डिब्बी तैयार होगी। अब ये बची हुई गोलियां मैं इसी में डाल लेता हूँ, अब मैं इसकी गोलियां इसमें डाल लूँ, देखिए अब इसमें एक तो ये खाली पड़ी है ऑलरेडी, और फिर हम इसे इकट्ठा करते हैं, एक और खाली होगी, लेकिन 4 तो भरी बन गई, ये पूरी भरी हुई है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, और लगभग 4 ही खाली बच गई है ना जी। इसमें 2-4 गोलियां बची हैं, तो ये आधी आधी है मतलब माल, बल्कि अगर चाहें तो वो बल्कि एक डिब्बी का माल 100 की 100 की 200 दोनों का एक बना दें, क्योंकि दोनों का माल आ ही रहा है, एक में 10 रुपये छोड़ दें, क्योंकि 10 रुपये की मजबूत डिब्बी है। तो मैं प्यारे बाबा रामदेव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैकिंग डिपार्टमेंट में बात करें, कि कुछ गरीबों का भला हो जाए तो फायदा है। इसी तरह सारी डिब्बियों में यही गड़बड़ है कि उसमें स्पेस ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि नुकसान हो रहा है। जैसे अभी देखिए मैं इन सबको खोल रहा हूँ, तो इनमें भी खाली डिब्बी निकल आएगी। ये देखिए मैं इसे खोल रहा हूँ, अब ये मत टेंशन लेना कि खराब हो जाएंगी, खराब नहीं होंगी, आयुर्वेदिक की दवाई खराब नहीं होती है, आगे पीछे सब चली जाती है पेट के अंदर, वो टेंशन वाली बात नहीं है। पर बात क्या है कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अब पैकिंग डिपार्टमेंट ये गड़बड़ कर रहा है तो उसे करनी नहीं चाहिए। पैकिंग डिपार्टमेंट को ये भर गई, अब ये देखिए जी, अब ये डिब्बी पूरी खाली होगी, इसमें भी जगह बाकी है। तो ये पैकिंग डिपार्टमेंट ने डब्बियों का साइज थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अब आपको मैं दारोगटी का दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये डिब्बी खाली है, ये देखिए ये खाली डिब्बी है जो खुली हुई है, और ये भरी डिब्बी है, भरी डिब्बी मैं पीछे कर रहा हूँ और खाली डिब्बी मैं आगे रख रहा हूँ। अब चलिए जी मैदारोगटी के साथ भी सेम करके देखते हैं इसमें कितनी जगह मिलती है। इतनी डब्बा खाली जगह रखने की क्या जरूरत है, प्लास्टिक इतना महंगा है और प्लास्टिक का इतना नुकसान हो रहा है, तो हमें खाली डिब्बियां बना के कोई ऐसा तो है नहीं कोई फायदा हो रहा है। ये देखिए ये पैक हो गई, एक पहले हमने पैक की थी और एक और पैक हो गई, ऐसे इसमें डिब्बी खाली नहीं चल रही। तो ये खाली डिब्बियों का कोई फायदा नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन खाली डिब्बियों से अच्छा है कि पैकिंग प्रॉपर की जाए और इसके कलर्स चेंज किए जाएं, इनके कलर चेंज किए जाएं पैकिंग से, ताकि पहचानने में, चलो यहाँ से पता चल जाता है कि ये पेन क्रिया है, ये ब्रेन है, पर इन पत्तों को देख के कुछ भी पता करना मुश्किल है। तो बाबा रामदेव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि पैकिंग डिपार्टमेंट को प्लीज़ रिकमेंड करिए कि डिब्बियों को पूरा भरे, अगर पैकिंग में गड़बड़ा ठीक करें, और उसका बेनिफिट आप योगी भाई बहनों को दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया हेल्दी, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।